हमें रुकने वाला है 93 तो ऑलमोस्ट चली चुकी है। मैं थोड़ा सा मतलब हाईवे में जाने में एकदम टॉपिंग चेक कराने वाला हूँ। हमारी गाड़ी बोल रही है लो फ्यूल लो फ्यूल, फ्यूल डालो। फ्यूल डालते हैं मेरी माँ, अभी तुम रुक जाओगे थोड़ा, हर तुम्हारे अंदर भाई साहब बड़े बड़े गड्ढे फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करते हुए। और आज अपनी वीडियो की शुरुआत हो रही भाई इस तरीके से एक खेत में। यहाँ तक मतलब पिछला ब्लॉग जिसने आपने देखा नहीं होगा तो पिछला ब्लॉग जाकर देखो भाई, यहाँ पर आए थे हम रील वगैरह शूट करने वो प्रीवियस ब्लॉग में। अरे देखो ये तो वो थोड़ा अपग्रेड वाले है ना रे, इस कारण से वो हाई लेवल के बंदे, हम थोड़ा मिडिल क्लास बंदे है। लेकिन मेहनत कर रहे हैं गाइस, आ जाएंगे। तो ये रही अपने एंटॉक, ये एंटॉक में ना कुछ एक प्रॉब्लम आ चुका है थोड़ा सा। ये जो अपना इंजन है ना, लास्ट टाइम मैंने जो घुमाया था ड्रिफ्ट वगैरह मारे थे छोटे मोटे, ये जो अपना इंजन है ये इंजन के अंदर यहाँ पर ऐसे छेद है, देखो उंगली जा रही है अंदर ना, पत्थर चले गए छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे पत्थर अंदर चले, तो जब भी गड्ढे से जाते हैं ये बसता है अंदर में, पत्थर से उछलते हैं, ऐसे लगता है कि पॉपकॉर्न तैर रहे हैं। और ये लोग जाने के लिए घाई कर रहे हैं। और आज का ब्लॉग होने वाला भाई टॉप स्पीड के ऊपर, आज हम अपने एंटॉक को टॉप एंड लगाएंगे। चलो सब, आज हम चार ही जने भाई, एक दो तीन और वो चार मैक्सी बॉय, सब ने सब सिंगल सिंगल सीट है, मेरे पीछे देखो कोई भी नहीं है, सब सिंगल सिंगल सीट है। तो आज सिंगल सीट होने के कारण भाई एक फ़ायदा है कि मैं इसको टॉप एंड लगा पाऊँगा आज यहाँ से। अभी तो ये थोड़ा गांव वाला एरिया है, यहाँ से निकलते मेन हाईवे पर पहुँचते फिर मैं इसको लगाता हूँ टॉप एंड। चलो दावा था अपने को गियर नहीं डालना था, गियर कहाँ डालू, गियर समझ नहीं आ रहा गियर कहाँ डालू। सब जहाँ पर जाते हैं पीछे रहते हैं, कोई नहीं यार, रुको पाँच मिनट में बस दो मिनट। मोपेड में लीन मारना रिस्की होता है बट एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि पीछे का चक्का रियर टायर बहुत बड़ा है इसमें, नॉर्मल स्कूटी से बड़ा टायर है तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। हमारे गाड़ी में भी भाई जो स्पीड लिमिट का आ रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहे हो बोलते इससे थोड़ा नीचे जाओ, हम नहीं रुकने वाला है, 93 तो ऑलमोस्ट चली चुकी है। मैं थोड़ा सा मतलब हाईवे में जाने में एकदम टॉप एंड चेक कराने वाला हूँ, तो जाते हैं उतार ढलान वगैरह में भी, हैंडलिंग में भी। ओ भाई साफ कर आ चुका है कर, तो मैं मारो लीन मारता फिरता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है ये मौसम में भाई, बारिश वाला मौसम, अभी जस्ट बारिश, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश होकर गई और रोड देखो थोड़ा सूख सा हुआ है। यहाँ से जाता और गाँव के अंदर हम जा रहे इधर, लीन दिखा क्या बोलते हमारे गाड़ी पर भी भाई क्रैचेस वगैरह पड़ना चालू हो चुके हैं। ये देखो कैसा मॉड वगैरह पीछे से, तो भाई और गंदी है, तो इंजन तो देख ही लिया आपने। ऋतिक के गाड़ी में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फिर से मेजर दिख रहा है, उसका जो चेन है विली मारते मारते बंदे ने अभी चेन ढीली कर दिया। पुरानी गाड़ी में भाई तकलीफ आती है, आती जाती है तकलीफ। ये गए मैक्सी बॉय, ओ हम भी जा रहे हो, ओ रोड वाकई में खराब है, अपने साफ छोटे छोटे धीरे धीरे चलना पड़ेगा, लेकिन बच्चों का एहसास नहीं हो रहा है। भाई साहब बड़े बड़े गड्ढे,
भाई 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 रे कहा गड्ढे कूदा दे अरे साले वे काम बड़े बड़े गड्ढे कूदा मैंने इसको पूरा ऐसे चल रहे जी सौ तन गड्ढे में घुसी नहीं रही गाड़ी कम से कम 70-80 स्पीड में गाड़ी थी भाई स्लो में देखो बहुत गड्ढे ये देखो रोड कैसा खराब सा है इतने बड़े बड़े गड्ढे देखो ऐसी हवा में उड़ती जा रही है गाड़ी सबकी अरे देखो अरे भाई 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 अभी अपने स्पीड कम कर दी अभी धीरे ही चलना पड़ेगा आगे भाई हाईवे पे यहाँ बैंड की प्रैक्टिस चल रही है शिव मुद्रा करके शिव मुद्रा जो बैंड वगैरह रहते हैं उसे उसी तरीके से और यहाँ पे बारात बारात में धूम मजा है ऐसा यहाँ आगे भाई हाईवे इधर जाता है कोराडी के आगे कोराडी तो इधर है ऐसे जाते हैं आगे आउटर नागपुर यहाँ से अंदर नागपुर मतलब अपने सिटी के अंदर यहाँ से चेक करते एक बार चारा कोई नहीं तो चलो 3-2-1 स्टार्ट अब चढ़ाव पर देखते हैं अभी तो मैंने अभी प्रीवियस व्लॉग में देखना भाई 105 लेके गया यार राइडर अपने छोटे मोटे अब इससे प्रो वाले राइडर देखता हूँ बार यार थोड़ा रश है भाई यहाँ नहीं जम सकता टॉप एंड मारना लेकिन मारेंगे आगे जा खाली दिखा वहाँ हो सकता है यही हो जाए चल तो रही है गाड़ी तो भाई चलो मैंने यूट्यूब पर एक बंदे की वीडियो देखा 130 पहुंचा है और यूट्यूब की वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था 130 गई नहीं 101 मैंने ऐसा इतनी जानकर वीडियो डाल रहा हूँ यार ये
ये पॉज करके यहाँ मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये तुझे चेक कर रखा ब्लॉक की थी जिसमें मैंने 105 मारा था यही रोड पर, इधर जाते हैं रिटायरमेंट। अभी भाई थोड़ा सा था इवनिंग का समय है तो रश होने के कारण तो मैं मार ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 105 टॉप एंड तो पड़ा है मेरे हाथ से। एक्चुअली मैं मीटर में भी दिखा दूँगा अभी चाय की चुस्की लेने के लिए उसको। ये देखो भाई, देखते देखते अंधेरा भी बना हो गया। हम 200 का पेट्रोल जलाकर 10 की चाय पीते हैं सिर्फ। आगे देखो भाई पूरा रोड खाली है, पूरा रोड खाली है, हम यहाँ सिग्नल पर खड़े हैं। तो भाई साहब यहाँ से प्लान में चेंज हो चुका है, यहाँ से जा रहे हैं हम फुटाला, देखते हैं फुटाला में चाय पीते हैं। भाइयों की इच्छा हुई चाय वहाँ बैठते पीते एक साथ, तो वहाँ चलते हैं। अपने क्या है, अपने को बस पानी निकालना है चाय के साथ, ज़्यादा कुछ गलत मत सोचा मेरे भाई, और मैं रॉन्ग सोच चला रहा हूँ क्योंकि गलत है, रॉन्ग है डिसीजन। ओ भाई साहब बनी वाला, भाई साहब बनी, इसमें लोकल वाला बनी लाया गया था। हमारी गाड़ी बोल रही है लो फ्यूल लो फ्यूल, फ्यूल डालो, फ्यूल डालते हैं मेरी माँ। अभी तुम रुक जाओ, अभी थोड़ा है तुम्हारे अंदर, घर तक पहुंच जाऊंगी तुम्हारे को कल हम खाना खिलाएंगे, अभी हम खाना खा ले। अरे लो फ्यूल लेकिन ज़्यादा ब्लिंक कर रहा हो ना तो समझ जाओ कि बहुत कम पेट्रोल है अभी तो है, बहुत बारी बारी आ रहा है, एकदम ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो 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 चलो भाई ये आ गया हम फुटाला। अरे ऋतिक भाई का खाता में नहीं होता,